हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मान विजय, आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए ला चुका हूं मैं रिव्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर का। फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसमें काफ़ी सारे आपको ब्लैक टचेस और तो और पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी और एंड डिटेलिंग में आपको ये एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा मैं, जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखना, तभी एक फाइनल वर्डिक्ट दे पाओगे। और तो और एक चीज़ और आपको बोलूँगा, आप लोगों को मेरा मिशन 19 पूरा करना है, वो ये है 19 साल की उम्र में 1 लाख सब्सक्राइबर। और दोस्तों अभी सुबह की 10 बज रहे हैं और मेरी 11 बजे क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग यार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो बहुत खुशी होगी मेरे को। तो चालू कर रहा हूं इस रिव्यू को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर की फ्रंट प्रोफाइल दिख रही होगी, यहां पे आप अच्छे से देख सकते हो। यहां पे बहुत सारा पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट कर रखा है, एज वेल एज यहां पे आप देखोगे इसकी ग्रिल जो है काफी ज्यादा डिफरेंट है स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के कंपेयर में। और यहां पे आप देखोगे इसका बड़ा सा आपको टोयोटा का लोगो दिख रहा है मैसिव सा। और साइड में अगर आप देखोगे जो भी अपने क्रोम टचेस थे उनको हटा के यहाँ पे पियानो ब्लैक टचेस देने की कोशिश करी है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। बम्पर में आप देखोगे तो फिर से ड्यूल टोन का ट्रीटमेंट कर रखा है, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट दे रखी है और तो और पियानो ब्लैक इंसर्ट दे रखी है, जो कि फिर से एक स्टैंडर्ड और एक यूनिक लुक लाने की कोशिश करता है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो मैट्रिक्स टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे आपको, जो कि फिर से बहुत स्टैंडर्ड और बहुत यूनिक लुक लाने की कोशिश करते हैं। इस साइड में फॉग लैंप दे रखा है और यहाँ पे जो है ये ट्रीटमेंट फाइब्रस इन नेचर देखने को मिलेगा, मतलब पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर में फॉग लैम्प के यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि मेरे को डेफिनेटली इससे ज़्यादा अच्छी लगी। अदरवाइज यहाँ पे आप इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल आपने देख ली कितनी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे एक बार आप इसका हेडलैम्प और देख लीजिए, यहाँ पे जो हेडलैम्प है वो कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर LED देखने को मिलेगा। और पीछे अगर आप देखोगे लो बीम हाई बीम तो वो भी आप देख सकते हो, ये पूरा LED का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा आपको, जो कि फिर से एक यूनिक लुक लाने की कोशिश करता है अपनी गाड़ी के अंदर। और अपन बात करें इस साइड में, आप अच्छे से देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत उभरी हुई दिखेगी हेडलाइट। और हेडलाइट जो है यार अपनी नई फॉर्च्यूनर की मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी और यूनिक लगी एज़ कम्पेयर विद द ओल्ड वन। नीचे की तरफ अगर आप आओगे साइड प्रोफाइल में तो आपको मल्टी लेयर 18 इंचेस अलॉयस देखने को मिल जाएंगे, डायमंड कट अलॉयस, जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। ब्रिज स्टोन के टायर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट टायर डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका टायर डायमेंशन, दैट इज़ 265/60R18, तो मतलब 18 इंचेस के अलॉय देखने को मिलेंगे। और इसकी लुकिंग जो है वो भी फिर से बहुत डिस्टिंग्विश देखने को मिल जाएगी। इस साइड में अगर आप और आओगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलेगा अपना फॉर्च्यूनर के अंदर, जो कि फिर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और पूरी गाड़ी जो है अपने को प्रीमियमनेस ले ही आता है। क्रोम इंसर्ट जो है आपको यहाँ पे हैंडल में दिख रहा होगा और इसकी एक सिग्नेचर क्रोम ग्रिल है, जो कि सारे वेरियंट में दिखेगी, जो यहाँ से चलते हुए ठेठ पीछे तक जाती हुई देखने को मिलती है। और ये पीछे भी कंटिन्यू रहती है, ये क्रोम ग्रिल जो आप देख रहे हो ये पीछे भी कंटिन्यू रहेगी और ठेठ वहाँ तक आप देख सकते हो, मतलब कि ये पूरी सिग्नेचर क्रोम ग्रिल अपने को सारे वेरिएंट में देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आप आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अपना जो फाइब्रस ट्रीटमेंट कर रखा है ये वाला जो है, ये एक तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि वैपिंग कर रखी है, और इन रियलिटी ये वैपिंग ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये पूरा स्टीकर लगा रखा है, तो पूरी वैपिंग कर रखी है ब्लैक कलर की, और इसकी ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि अपना ये टोयोटा की दे रखी है पूरी की पूरी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अच्छी होगी। ऊपर की तरफ देखोगे तो रूफ रेल आपको देखने को मिलेगी, जो कि फिर से ग्रे स्टोन के अंदर देखने को मिलती है, प्रॉपर सिल्वर भी नहीं कह सकते, और सनरूफ जो है अपने को फॉर्च्यूनर में अभी भी नहीं देखने को मिल रही है। तो पीछे की आप प्रोफाइल देख सकते हो अपने फॉर्च्यूनर लेजेंडर में, फिर से बहुत अलग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हो फॉर्च्यूनर पूरा का पूरा अपने को पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलेगा और बहुत अलग सा देखने को मिलता है। और लेजेंडर की अलग से बैजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, बैजिंग जो भी आप बोलो लेजेंडर की बहुत अलग सी दे रखी है यहाँ पे, जो कि फिर से एक डिस्टिंग्विश लुक लाने की कोशिश कर देती है। और ये जो टेल लैम्प देख रहे हो ये स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर में भी आपको सेम देखने को मिलेंगे टेल लैम्प, तो टेल लैम्प में कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। एक वेरिएशन जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ये वाला जो आपको ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है अलग सा ब्लैक कलर का, ये अपने को केवल इस वाली लेजेंडर में ही देखने को मिल रहा है थोड़ी स्पोर्टी लुक लाने के लिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आप जो देख रहे हो ये जो पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल रही है, ये फिर से आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर में देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड में नहीं देखने को मिलेगी, और बहुत अलग से लुक ले आती है। और मेरे हिसाब से जो भी इसमें टचेस कर रखे हैं वाइट एंड ब्लैक के, वो बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको इसकी बूट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जब इसकी सीट आप कोई भी फोल्ड नहीं करते हो तो आपको 100 लीटर की बूट देखने को मिल जाती है, जो कि फिर से बहुत अच्छी बूट स्पेस है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी इंटीरियर गाड़ी की, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने को लैदर ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, उसका बेसिक थीम जो है वो इंटीरियर के अंदर ब्लैक एंड रेड का देखने को मिलेगा, एक्सटीरियर में वाइट एंड ब्लैक का देखने को मिलेगा।
यहाँ पे भी आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे रेड और ब्लैक ट्रीटमेंट कर रखा है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और जो भी स्टिचिंग के रिफाइनमेंट लेवल है वो डेफिनेटली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इस साइड में आप आओगे तो आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आप इसका मीडिया प्लेयर देखोगे तो मीडिया प्लेयर जो है सारी की सारी फॉर्च्यूनर में ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेन चेंजेस जो थे उसके थे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाएगा जो कि सिंगल जोन ही है। अगर फॉर्च्यूनर चाहती तो ड्यूल जोन कर सकती थी, एक जोन के लिए अलग और एक जोन के लिए अलग, तो वो फॉर्च्यूनर क्यों नहीं करा मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये वुडन ट्रीटमेंट दे रखा है, एक शाइनी वुडन ट्रीटमेंट कह सकते हैं अपन, जो कि बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे दो कप होल्डर भी देखने को मिलते हैं जो कि फिर से डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इस साइड में अगर आप देखोगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर से बहुत अच्छी चीज़ है। और ये लेजेंडर के अंदर ही ये सारे फीचर एड ऑन है, अदरवाइज आपको ये दूसरी गाड़ियों में नहीं देखने को मिलेंगे। इस साइड में आओगे तो आपको यहाँ पे गियर नॉब देखने को मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक गियर नॉब है, और ये वाला ही इंजन आपको लेजेंडर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कोई इंजन भी नहीं देखने को मिलता, तो वो थोड़े बहुत कॉन्स है। और 4x4 का ऑप्शन भी लेजेंडर में नहीं देखने को मिलता, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको कंसिडर करके ही गाड़ी को परचेज करना पड़ेगा। को मोड के इको मोड देखने को मिल जाएगा, और फिर नॉर्मल मोड, और फिर स्पोर्ट्स मोड, जो तीन ड्राइव मोड आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ वगैरह के स्विचेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी और स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसको जस्ट ऊपर करते ही आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इतनी सी स्टोरेज देखने को मिलेगी जहाँ पे आप छोटे बहुत सामान रख सकते हो। और ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है यार, तो वो भी आपको चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। और बात करें अपन तो यहाँ पे जो इसका हैंड ब्रेक दिख रहा है, हैंड ब्रेक आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैंड ब्रेक है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लेदर फिनिश के साथ यहाँ पे स्टिचिंग का दिख रही होगी। अदरवाइज पूरी गाड़ी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे IRVM की, तो यहाँ पे इसकी बिल्ड देख सकते हो आप, कितनी अच्छी बिल्ड देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी बिल्ड के साथ अपने को देखने को मिल जाएगा इसका IRVM। ORVM जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी भी बिल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फॉर्च्यूनर में तो आप लोगों को पता ही है यार, जानी इसकी रिलायबिलिटी और बिल्ड के लिए जाती है, और सर्विस कॉस्ट के लिए, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। 7 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे आपको, जिसमें एक नी एयरबैग हो जाएगा, एक ड्राइवर एयरबैग हो जाएगा, एक को पैसेंजर एयरबैग हो जाएगा जो कि उस साइड में SRS की बैजिंग दे रखी है। और बात करें दो कर्टन एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, और दो एयरबैग अपने को सीट्स में देखने को मिल जाएंगे जो कि सीट्स से ही निकलते हैं, तो इसलिए कहते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर कभी भी सीट कवर नहीं लगाना। वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं लगता आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। और बात करें अपन इस साइड में, तो इस साइड में आप देख सकते हो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्रूज़ ऊपर की तरफ स्पीड को आप बढ़ा वगैरह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस साइड में बटन दबा के क्रूज़ सेट ऑन या ऑफ होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता ही होगी। और ये सारी चीज़ों में भी मेरे को ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को। इस साइड में आप देखोगे तो थोड़े बहुत और फीचर्स के लिए यहाँ पे आपको कीज़ देखने को मिल जाएगी, मतलब कि टेलगेट ओपन वगैरह को आप ऑफ कर सकते हो, पार्क असिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि फिर से बहुत अच्छी चीज़ है। 11 स्पीकर का आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, जो कि फिर से साउंड क्वालिटी जो है अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर बड़ा ही देता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें डोर में, आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, डोर में अपने को यहाँ पे ड्यूल टोन की फिनिश देखने को मिलेगी जो कि है ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक एंड रेड की ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। स्टिचिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी रिफाइनमेंट लेवल के साथ कर रखी है। और इधर आप देखोगे इसका हैंडल बार वगैरह कितना ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, तो फिर से आप खुश हो जाओगे। और स्पीकर की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी जो है फॉर्च्यूनर लेजेंडर की काफ़ी अच्छी दिखेगी। यहाँ पे अपने को सिल्वर इंसर्ट भी दिख रहा होगा, और ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट है ग्रैब हैंडल वगैरह के बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं अपने को फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर। तो आपको मैंने पूरी को पूरा बता दिया, एक बार मैं आपको सीट्स भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की ड्राइवर सीट देखने को मिलती है। तो इस साइड में आप देख लीजिए, ये आपको पूरी की पूरी ड्राइवर सीट दिख रही होगी, किस तरह की सीट्स दिख रही है आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा सिटिंग कंफर्ट देखने को मिलता है आपको फ्रंट में, और जो सीट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इन नेचर देखने को मिलेगी। हेडरेस्ट जो है उसमें हल्का सा एक्स्ट्रा कुशनिंग कर रखी है इन्होंने, जिसकी वजह से जो भी ड्राइवर हो उसको चलाने वगैरह में कन्वीनियंस मिल जाए और कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं सेकंड रो का सिटिंग कंफर्ट दिखा देता हूँ, उससे पहले आपको यहाँ पे एक बार दिखा दूँ, इसमें आपको 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलेगी, जो कि फिर से बहुत अच्छी है। और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी आपको इसमें 8-way एडजस्टेबल सीट नहीं देखने को मिलती, पता नहीं क्यों ऐसा करा टोयोटा ने, बट टोयोटा को 8-way एडजस्टेबल सीट दे देनी चाहिए थी अब तक। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए आपको कितनी ज़्यादा डोर खुलता है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी स्पेस मिलती है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे फिर से आपको ड्यूल टोन का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, रेड एंड ब्लैक का पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑटो अप ऑटो डाउन जो है विंडो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि फिर से बहुत अच्छा है। ऑटो डाउन हो गए, अब ऑटो अप भी हो जाएगी।
यहाँ पे फिर से क्रोम ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। सीट्स के अंदर आएंगे तो सीट्स के अंदर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा हुक दे रखा है जिसमें आप थोड़ा छोटा मोटा वेट लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको पीछे जाने में दिक्कत आती है तो उनके लिए यहाँ पे फुट रेस्ट दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। पीछे की सीट जो है पहले वाली फॉर्चूनर जैसी ही देखने को मिलेगी, कोई खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाएगा पीछे वाले के लिए, और यहाँ पे ब्लोअर आपको बढ़ाने और कम करने हैं, उन सबका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग के दो दो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कभी भी आप चार्ज वगैरह कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे छोटा बहुत आपको देखने को मिल ही जाएगा, कितना अच्छा स्पेस देखने को मिलती है आप देख ही सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे फिर से सिल्वर ट्रीटमेंट कर रखा है, सिल्वर टचेस जो है यहाँ पे जो कर रखे हैं वो डेफिनेटली आपको गाड़ी में बेहद पसंद आने वाले हैं। सीटिंग कम्फर्ट जो है बीच वालों के लिए अच्छा होता है, अब देख लेते हैं पीछे वालों के लिए कितना अच्छा होगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब आप फॉर्चुनर को लोगे तो इसमें सीट जो है वो पूरी फोल्ड हो जाएगी आगे की तरफ, उसकी वजह से क्या होता है जब आप गाड़ी में पीछे की तरफ जाना चाहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मेरी हाइट जो है वो 6'4" है, आप लोगों को पता है। अब देखता हूँ मैं पीछे जाने में कोई दिक्कत आती है कि नहीं। तो यहाँ पर रखा पाओ फुट रेस्ट में और पीछे की तरफ रखा, मैंने इसको पूरा डाउन कर दिया और उसको अप। मेरे हिसाब से मेरे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिख रही है यहाँ पे पीछे की तरफ। लास्ट सीट जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके घर में छोटे छोटे हाइट के लोग हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगी, या फिर आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो उनके लिए ही आप ये लास्ट वाली सीट रखना, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं देखने को मिलती। और आपको लास्ट वाली रो पे अच्छा कम्फर्ट चाहिए तो मेरे हिसाब से टोयोटा इनोवा जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसमें बैठ के भी मैंने बताया है कई बार कि कितना अच्छा कम्फर्ट देखने को मिलता है इनोवा के अंदर, पर एक और बात आ जाती है कि वो MPV है और ये वाली जो है अपने को SUV देखने को मिल जाएगी, जो कि SUV काफ़ी लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर विद दैट। तो अब आप पे है आपको क्या चाहिए। और फॉर्चुनर लेजेंडर में डेफिनेटली आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि 500 न्यूटन मीटर, जिसकी वजह से जो ड्राइविंग प्लेजर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर विद दैट ऑफ द इनोवा। और काफ़ी लोग जो है मेरे हिसाब से इनोवा और फॉर्चुनर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फॉर्चुनर के जो मेन राइवल आते हैं वो आप लोगों को पता ही है, दैट इज़ MG ग्लॉस्टर, फोर्ड एंडेवर एंड अल्टुरस G4। अल्टुरस G4 तो मार्केट से एक तरह से आप समझ ही लीजिए ख़त्म ही हो चुका है। MG ग्लॉस्टर एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन चुका है, फोर्ड एंडेवर भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। और इसकी टर्निंग रेडियस की भी बात कर लेते हैं अंदर आने के बाद, तो टर्निंग रेडियस कितना देखने को मिलेगा गाड़ी में, तो 5.6 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा, जो कि फिर से बहुत अच्छा है। मतलब छोटे से एरिया में ये टर्न कर जाएगी, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी एड ऑन ले आता है अपनी गाड़ी के अंदर, और एक अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं कि छोटे से एरिया में गाड़ी टर्न करता है। तो आपको क्या चाहिए। तो अब दोस्तों समय आ चुका है एक बाहर जाके फाइनल वर्डिक्ट देने का कि गाड़ी आपको परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें अपने फॉर्चुनर लेजेंडर की, जो खासियत जो कि USP है मेनली जो आपको देखने को मिलेगी वो यह है इसकी इंजन पावर। इसमें आपको 2755 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात करें इसकी पावर की, तो पावर अपने को 500 न्यूटन मीटर की देखने को मिल जाएगी। टॉर्क और पावर की बात करें तो 204 PS की पावर देखने को मिल जाती है। तो पावर एंड टॉर्क जो है अपने फॉर्चुनर की अभी तक इसके जो भी कॉम्पिटिटर है सबसे आगे निकल चुकी है, और लेजेंडर जो है स्पेशली सबसे आगे निकल ही चुकी है, और अभी भी कोई भी इसका कॉम्पिटिटर नहीं बन पा रहा इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क। और टोयोटा को भी अच्छे से पता है कि इंडियन मार्केट में ऐसे कस्टमर बहुत है जो कि पावर एंड टॉर्क को पसंद करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही जो गाड़ी में अपने को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके फेवर में ही देखने को मिले। अदरवाइज पूरी डिटेलिंग मैंने आपको दी है गाड़ी की, किस तरह की गाड़ी देखने को मिलेगी, सारे फीचर एंड स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए गाड़ी के कि क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन है। और फाइनल वर्डिट की बात करें कि आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए नहीं परचेज करनी चाहिए, या फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्चुनर में जाना है। अगर मैं बात करूँ आपको ज़्यादा पावर एंड टॉर्क चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हो, और अगर आप ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए नहीं चाह रहे हो लेजेंडर तब आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 4x2 ही देखने को मिलेगा, 4x4 नहीं देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे आप। और अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोडर चाहिए तो मेरे हिसाब से आपके पास फॉर्चुनर ही एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेजेंडर की बात करें तो लेजेंडर की प्राइसिंग जो है अपने को स्टैंडर्ड फॉर्चुनर 4x4 से भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि हल्का सा इसको ओवर प्राइस कर देती है, बट फिर भी जो फीचर एड ऑन है उसके हिसाब से ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर लेजेंडर की प्राइसिंग जो है एक्स शोरूम 1 लाख कम होती तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन पाता, पर एक्स शोरूम 1 लाख ज़्यादा है। और आप लोगों को पता ही है टोयोटा का एक बहुत ही अच्छा गेम वो ये है कि इसमें आपको सर्विस कॉस्ट बहुत कम देखने को मिलती है, और इंजन रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है टोयोटा में, एज वेल एज रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अगर कोई बंदा के दिमाग में सेट हो गया कि नहीं यार मेरे को फोर्ड एंडेवर खरीदनी है, नहीं मेरे को MG ग्लॉस्टर खरीदनी है, तो भी वो फॉर्च्यूनर में ही जाएगा। और काफ़ी सारे लोग हैं
जिनके लिए ड्रीम कार हो जाती है फॉर्च्यूनर, तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी लोग जो है फॉर्च्यूनर ही लेंगे, भले ही इनमें फीचर स्पेसिफिकेशन थोड़े बहुत कम हो, भले ही इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो, थोड़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हो, फिर भी फॉर्च्यूनर में ही जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ जो है इसने तीन चीज़ों की वजह से मार्केट में अपनी डोमिनेंस जमा दी है। और एक और चीज़ बताऊँ, इसका मार्केट में जो आप देखोगे प्रीमियम एसयूवी के सेगमेंट में 53% का शेयर देखने को मिल जाएगा, अगर आप दूसरी एसयूवी के कंपेयर में बात करें। और सबसे ज़्यादा एवरेज सेल अगर आप देखोगे तो फॉर्च्यूनर की ही देखने को मिलेगी एज कम्पेयर विद दैट ऑफ एमजी ग्लॉस्टर एंड ऑल। और एक और फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, जब अपनी एमजी ग्लॉस्टर लॉन्च हुई थी तो एक महीने के अंदर उसकी 2,000 से 3,000 की बुकिंग हुई थी, पर अपनी फॉर्च्यूनर जब लॉन्च हुई तो 5,000 से 6,000 की बुकिंग हो चुकी है इसकी। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी डिमांड भी देख सकते हो कि मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड दिख रही है, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है फॉर्च्यूनर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा तहलका मचा रखा है इसने मार्केट में। तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।